वैज्ञानिक संत आचार्य निर्भय सागर जी महाराज का एक बार फिर दमोह में प्रवेश हुआ है। दमोह से नौटक का विहार और उसके बाद बनवार होते हुए विभिन्न ग्रामीण अंचलों में विहार करते हुए दर्शन लाभ देते हुए एक बार फिर दमोह पहुंचे आचार्य निर्भय सागर जी महाराज का भव्य स्वागत आगवानी की गई। उन्होंने जटाशंकर मंदिर पहुंचकर जहां वहां पर दर्शन लिए, वहीं जबलपुर नाका मंदिर में आगामी दिनों में वे होने वाले धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेंगे, साथ ही आशीर्वाद प्रदान करेंगे। उनकी आगवानी के दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। इसलिए चिकित्सा नहीं, दैवी चिकित्सा की अंग की बात करते हैं मुनिराज। और दैवी चिकित्सा अंग जिसके अंदर आ जाता है वह पूज्य बन जाता है, वह सबकी आत्मा की चिकित्सा करने लगता है, वह मन की चिकित्सा करने लगता है। तन कभी निरोगी नहीं होता, क्योंकि एक अंगुल रोग में, एक अंगुल शरीर में शान में हजार रोग भरे हुए हैं, कितने रोग निकालोगे तुम। लेकिन जब आत्मा की चिकित्सा हो जाती है तो अपने आप शरीर स्वस्थ हो जाता है, पर अब औदारिक हो जाता है। जब आत्मा की चिकित्सा कर दी जाती तो हमने शरीर की चिकित्सा नहीं की। किसकी की? आत्मा की चिकित्सा। आत्मा की चिकित्सा करने वाला परमात्मा बन जाता है। इसलिए हमारे भगवान ने एक ही कहा है कि आप उसी आत्मा की चिकित्सा की बात करने के लिए हम इतना जरूर कहेंगे कि काया राखे धर्मे, और पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुख हो आज्ञा। ये चार सांसारिक गृहस्थ की दृष्टि से है। पहला सुख